Actor Neil Nitin Mukesh is seen playing a revengeful encounter specialist in the film Dassehra. The movie is a political thriller based on a true story of crime and politics. It has a backdrop of a politically destabilized state and places which symbolize politician mafia network, heinous crimes, cunning politicians and reckless criminals. Clashing with movies like Bazaar and The Journey of Karma, the movie released today. Here are some audience reactions. The movie is quite interesting. I like the twists and turns, how they portrayed, just the way they told him that it is actually wrong to say that whether it is a murder or whether it is a suicide. But अगर हम ट्रेलर को भी देखें तो उसके वाइज अगर हम बात करें तो काफ़ी ही बखूबी से वो चीज़ है. ट्रेलर से कुछ ज़्यादा ही हमें मूवी में देखने मिलता है. आमतौर पे जब ट्रेलर लॉन्च होता है एंड मूवी जाती है तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है मूवी के बाद. बट दिस इज़ द परफेक्ट, आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी. नील की एक्टिंग एक्चुअली बहुत अच्छी थी क्योंकि नील इज़ अ वेरी गुड एक्टर. बट और काफ़ी टाइम के बाद में ये मूवी भी रिलीज़ हुई है, सो इफ़ यू कंपेयर दैट तो मुझे नील की एक्टिंग ठीक लगी. बट मूवी की स्टोरी लाइन आई थिंक थोड़ी और बेटर हो सकती थी. अच्छी थी, पॉलिटिकल ड्रामा है. नील नितिन मुकेश ने अच्छा काम किया है. बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छा है. बेसिकली फिल्म अच्छी, आपको देखने जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा. अच्छी फिल्म, मैसेज भी है, सब है, अच्छी है, इट्स मस्ट वॉच. काफ़ी अच्छी थी मूवी. लाइक ट्रेलर जब देखा था तो एक्सपेक्टेशंस थे बट देन टू द पॉइंट नहीं था मूवी का जो भी ये थे. तो या इट वाज नाइस. नील, हाँ नील काफ़ी पहले से वो नेगेटिव रोल, लाइक प्लेयर्स में उन्होंने नेगेटिव किया था, अभी ही इज़ इनटू द पॉजिटिव रोल. तो या ही वाज वेरी नाइस. नाउ टेक अ लुक एट द नंबर ऑफ स्टार्स द मूवी गॉट. बट आई पर्सनली फील 3 इज अ परफेक्ट. 3.5. 3. The film is being produced by Aparna S. Hosing under the banner of Rash Productions.